मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी उस दौरान उसने देश की जीडीपी को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है, जिसके चलते जीडीपी का 5 ट्रिलियन तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसको लेकर विपक्ष अक्सर मोदी सरकार पर हमलावर रहता है। इसी बीच देश की बदहाल स्थिति पर अब आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भी चिंता जाहिर की है। क्या बोले पूर्व गवर्नर, आइए देखते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में सिर्फ गिरावट देखने को मिली है। विपक्ष इसका जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियों और फैसलों को मानता है, लेकिन सरकार कोरोना महामारी का सहारा लेकर अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है और सरकार का इस तरह से अपनी कमियों पर पर्दा डालना आम जनता के लिए हानिकारक होता जा रहा है। ऐसे में अब देश की बदहाल स्थिति पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने चिंता जाहिर की है। डी सुब्बा राव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में बड़ी छलांग की उम्मीद थी, लेकिन आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान से रहना निराशा और चिंताजनक है। 2022-23 की जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 13.5% रही। ऐसे में उन्हें चालू वित्त वर्ष की पिछली तिमाही में विकास दर के 13.5% से अधिक रहने का अनुमान था। मौजूदा परिस्थितियों में ये निराशा और चिंता का कारण बन गया है। इतना ही नहीं, सुब्बा राव ने कहा आगे की तिमाहियों में वृद्धि दर में और गिरावट की आशंका है। अल्पावधि में वृद्धि दर, कमोडिटी की उच्च कीमतों, वैश्विक मंदी की आशंका, आरबीआई की सख्त मौद्रिक नीति और एक असमान मानसून से प्रभावित हो सकती है। असमान मानसून से फसल उत्पादन पर असर पड़ेगा। बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट ही दर्ज हो रही है और विपक्ष लगातार सरकार को चेतावनी दे रहा है, लेकिन सरकार सुनकर भी अनसुना कर रही है, जिसका असर देश पर पड़ रहा है। बता दें कि पूर्व आरबीआई गवर्नर का ये बयान पिछले दिनों मूडीज और एसबीआई की रिपोर्ट आने के बाद आया है, जिसमें 2022 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.7% कर दिया गया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।